सब्सक्राइब करिए धनु की दुनिया यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। बात करेंगे दोस्तों धनुराशि वाले जातकों का आने वाला 4 दिन 1, 2, 3, 4 जनवरी कैसा रहेगा। जनवरी महीना शुरू हो रहा है, 2021 शुरू हो रहा है और नव वर्ष शुरू हो रहा है। सबसे पहले आप सभी मित्रों को, भाई बंधुओं को, दोस्तों को, आपके सपरिवार को, सारे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। यह नया साल आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए, सारे कष्ट दूर हो जाएँ, यही कामना करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं ये 4 दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे YouTube चैनल धनु की दुनिया पे मित्रों पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ धनु राशि वाले जातकों के लिए ही वीडियो मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं आने वाले 4 दिन कैसे बीतेंगे आपके। धनुराशि वाले जातकों को इन 4 दिनों में अपनी क्षमताओं के बल पर अपने व्यावसायिक समस्याओं का समाधान मिलेगा। व्यापार के लिए नए जोखिम अगर आप उठाते हैं तो अच्छे परिणाम देंगे, आपके लिए अच्छे रहेंगे, फलदायी रहेंगे। रोजगार के क्षेत्र में जो भी समस्याएं चली आ रही थी, जो भी कठिनाइयां आ रही थी, वो कठिनाइयां दूर होने को हैं, कठिनाइयां दूर भी होंगी। आपके सामाजिक स्तर में वृद्धि देखने को मिलेगी, प्रभाव के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नौकरी प्राप्त करने के लिए जो जातक परिश्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, तो इन 4 दिनों में उनको सफलता मिलेगी, नौकरी अवश्य मिलेगी। छोटी दूरी की यात्रा करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में उन्नति होने की संभावनाएं दिख रही हैं। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहेगा, आनंदमय रहेगा, खुशहाल रहेगा। संतान की इच्छा रखने वाले जो जातक हैं, जिनको संतान नहीं हो रहा था, संतान की इच्छा रख रहे थे, उनको शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, संतान की प्राप्ति के संकेत मिल सकते हैं। माता से संबंध अगर बिगड़े हुए थे आपके तो वो सुधर सकते हैं, इन 4 दिनों में माता से आपके संबंध अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करेगा, अच्छी सफलता हासिल करेगा, जिससे देख के आपके मन को बड़ी प्रसन्नता होगी। प्रेम जीवन में आपके नवीन संबंध स्थापित हो सकते हैं। जनसंपर्क तथा तकनीकी इनके क्षेत्र से जो कार्यरत हैं, जो जातक जुड़े हुए हैं, उनको लाभ के अवसर दिख रहे हैं, आर्थिक लाभ होगा, आर्थिक स्थितियाँ इससे बहुत ही सुदृढ़ हो जाएंगी। लेकिन बेकार के खर्चों से आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है, इसलिए यही सलाह रहेगी कि बेकार खर्चे, फिजूल खर्ची मत करिए। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, परिवार में किसी सदस्य की स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ हो सकती है, जिससे आपको भी थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए उनका ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, स्वास्थ्य नियमों का अवश्य पालन करें। तो दोस्तों ये था आने वाला 4 दिन धनुराशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्या परिवर्तन, क्या बदलाव देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम लोगों ने यही जाना। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया पे। मित्र पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ धनु राशि वाले जातकों के लिए ही काम करती है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। ये 4 दिन मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छे बीते, यही कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।